प्रदेश में रहते हैं, कोई मध्य प्रदेश में रहता, कोई बिहार प्रदेश में रहता, कोई राजस्थान प्रदेश में रहता। तो ये जो प्रदेश हैं ये भौगोलिक नहीं है, राजनैतिक रूप से विभाजित हैं। राजनैतिक रूप से, राजनैतिक रूप से क्या कि इसकी एक सीमा निर्धारित की और उस सीमा के इधर दूसरा मुख्यमंत्री और उधर दूसरा मुख्यमंत्री। लेकिन इसी तरह ये राजनैतिक प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश होते, प्राकृतिक प्रदेश का मतलब प्रकृति एक जैसी होती है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश भी आ सकता, बिहार भी आ सकता, मध्य प्रदेश भी। तो वो प्रदेश किस हिसाब से बांटेगा? प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश का अर्थ क्या है? एक जैसा मौसम और जलवायु जहाँ पर पाई जाती है उसको एक प्रदेश कह देते हैं। तो हमारी जो है, हम अपने देश की जलवायु के संबंध में जाते हैं तो हमारे देश में किस माह में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, किस महीने में ठंड पड़ती है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और गर्मी कब पड़ती है? मई और जून में। हमारे भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कही जाती है। कैसी जलवायु? भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु क्यों कही जाती है? एक प्रश्न उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था। तो हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा, कौन सी पवनों द्वारा? मानसून शब्द अरबी शब्द। तो हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारे यहाँ जब बारिश कब होती है? चौमास। तो वर्षा जो होती है मानसूनी पवनें जब आती हैं, मानसूनी पवनें कौन सी? दक्षिण पश्चिम समुद्र से आती हैं पवनें, वो पवनें आके हमारे हिमालय पर्वत से टकराती हैं, फिर वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु मानसूनी जलवायु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है। मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है, देखिए मौसमी पवनों के द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उस जगह को हम लोग मानसूनी प्रदेश कहते। तो मानसूनी प्रदेश कौन कौन से हो गए? जहाँ मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। मानसूनी प्रदेश देखिए नक्शे में यहाँ दिखाया गया कि भारत में पूरा भारत मानसूनी प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में भी। तो ये जो मानसूनी प्रदेश जो है यहाँ पर मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा, ये प्रदेश अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि मानसूनी प्रदेश पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं ये प्रदेश। कोई भी महाद्वीप है वो कहाँ पाया जाए? उसके पूर्वी तट पे। और यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है, ठीक है। ये प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग, तो किसी भी मानसून के पूर्वी तट पर, ये महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं मानसूनी प्रदेश, ठीक है। तो बात आई समझ में? मौसमी पवनों के द्वारा जहाँ वर्षा होती है वो मानसूनी प्रदेश कहलाते हैं। और ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। अब एक कोई बच्चा सोच रहा होगा, सर ये 5 डिग्री और 30 डिग्री ये क्या? तो भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक 90 डिग्री में जगह बांटी गई। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दक्षिण में भी 90 डिग्री तक जगह बांटी गई। तो 5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच की जो जगह है वो सब मानसूनी प्रदेश में आती, यहीं पर मौसमी पवनों के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? यूरोपीय महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार। अब देखिए ध्यान से बात सुनिए, सबसे अच्छी बात जानकारी कि जो यूरोपीय महाद्वीप है वहाँ पर मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ मौसमी पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है। यूरोपीय प्रदेश क्यों? क्योंकि वो 30 डिग्री से ऊपर है, 30 डिग्री से ऊपर। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। इसमें मानसूनी प्रदेश में वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है, यानी कि सर्दियों में 7 और गर्मियों में 40 तक पहुंच जाता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। पर्वतीय प्रकार की वर्षा कैसी? पर्वत से टकरा कर पवने करती है। कुछ वर्षा संबंधी प्रकार की होती है। ये सभी आपको हम अलग तरीके समझाएंगे, चक्रवाती वर्षा कैसी होती है, कभी चक्रवात के कारण वर्षा आती है, पर्वतीय प्रकार की वर्षा कहती है, और संबंधी प्रकार की वर्षा कैसी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से सागर की ओर। यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म लू चलती है। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। और इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, विवरण, समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। जरूरी नहीं कब कितनी वर्षा हो जाए, जैसा मानसून बन जाए तभी वैसी वर्षा हो जाएगी।
यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, यहाँ की वनस्पति सदाबहार पतझड़ वन घास के मैदान कटीली झाड़ियाँ होती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पति का आधार लगा सकते हैं। तो जैसी भारत की वनस्पति है वैसी आप समझ लीजिए मानसूनी वनस्पति होती है, मानसूनी प्रदेशों में पाई जाती है। सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय आदि पाए जाते हैं। बैल, घने जंगलों में शेर, चीता, छोटे छोटे मांसाहारी पशु। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। देखिए हम लोग रहते हैं कन्नौज में, तो यहाँ एक लाख बहुसी पक्षी विहार है, तो वहाँ साइबेरिया यानी कि यूरोप, महाद्वीप, रूस से उधर से आ जाते हैं ठंडे क्षेत्रों से इन दिनों, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ती, तो लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके, हजारों लाखों नहीं कहेंगे हजारों किलोमीटर दूरी तय करके पक्षी आते हैं। पक्षियों को शिकार नहीं करना चाहिए, वो इतनी दूर से आते हैं, हमारे अतिथि होते हैं। हमारे लाख बहुसी बहुत सारे समय पक्षी आए हैं, आए हुए हैं, सर्दियों पर यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे गर्मियों में, क्योंकि वो सर्दी के पक्षी हैं। तो वो पक्षी यहाँ आते हैं केंद्र प्रदेश में, चूँकि हमारा प्रदेश मानसूनी प्रदेश में आता है इसलिए आते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश की मुख्य बातें केवल वर्षा काल में लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या, घनत्व। तो मानसूनी प्रदेशों में घनत्व जनसंख्या का अधिक पाया जाता है, वर्षा अच्छी होती ना। मानसूनी प्रदेश विश्व का ऐसा प्रदेश है जहाँ लगभग सभी प्रकार के प्रवेश जलवायु जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं। तो मानसूनी प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है सर्दी, जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब मिल जाता है, ठीक है। यह प्रदेश भूमध्य रेखी प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है। तो आज आप लोगों ने मानसूनी प्रदेश की क्या विशेषताएं, कैसी वहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कैसे वहाँ के जीव जंतु पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में मानसूनी प्रदेश पाया जाता है, तो 5 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक, 30 डिग्री तक। अभी हम ग्लोब में आपको बताएंगे, ग्लोब देखेंगे तो बीचा बीच का हिस्सा वो है विषुवत रेखा, उसके ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुवों तक यानी कि सेंटर तक ऊपर तक 90 डिग्री माट दी गई जमीन। तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री बीच का क्षेत्र मानसूनी प्रदेश है, जलवायु का क्षेत्र, और यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।